हूँ कि यहाँ पे सारी आशा वर्कर्स ने इसलिए प्रोटेस्ट किया है, जो काम हमें दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, पहले हमें बताया गया था कि आपको दो ही काम है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से हमें इतने काम सौंपे गए हैं कि 40,000 वाला मुलाजिम जो है उसको उतना काम नहीं होता होगा जितना हमें दिया गया है। पहले ही प्रेगनेंट लेडी है, उसके बाद इम्यूनाइजेशन है, उसके बाद लेप्रेसी है, टीबी पेशेंट्स है, कल पर पिछले साल आपको पता ही है क्राइसिस कितनी थी कोरोना वायरस की वजह से। उस टाइम भी हम तिबिया कॉलेज में अपनी ड्यूटी दे रहे थे, वहाँ पे कोई नर्स अवेलेबल नहीं थी, वहाँ पे ना FMPHW थी। इन्होंने आज जो तनख्वाह बढ़ाई है सब वो अदर मुलाजमीन की बढ़ाई है और हमें वहीं छोड़ा गया है। ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। आज हम यही इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमें सैलरी चाहिए, चाहे 20,000 रखे 15,000 रखे, लेकिन हमें अपनी सैलरी चाहिए क्योंकि हमसे बहुत सारा काम लिया जा रहा है। अभी हम वैक्सीन करा रहे हैं, मतलब लोगों के वैक्सीन किए जा रहे हैं, हमने लोगों को मोटिवेट किया है वैक्सीन के लिए, वरना कोई भी एक बंदा हॉस्पिटल में वैक्सीन के लिए नहीं जा रहा था, लेकिन हमने सरपंच के साथ मिल के उनको मोटिवेट किया और हर एक मेंबर का वैक्सीन कराया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया। अब हम यहाँ पे धरना पे आए, हमने हड़ताल की है, इसी वजह से हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जी सर, आज हम इसलिए यहाँ जमा हो रहे हैं कि हमारी भी कुछ मांगे हैं, वो मरकज़ी सरकार तक आपके माध्यम से हम पहुँचाना चाहते हैं कि हम किस लिए यहाँ आज जमा हुए हैं। हम आज जमा हुए हैं कि हमारी मिनिमम वेजेस मुकरर किया जाए, जैसे कि FMPHW का है, बाकी मुलाजमों का है मिनिमम वेजेस, उसी में हमें भी ये मुस्तकिल बनाया जाए, क्योंकि हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। जो भी काम सरकार को होता है हमें ही पहले निकलना पड़ता है, डोर टू डोर जाना पड़ता है, आज ये काम है आज वो काम है, सबसे पहले हमें ही वो काम हमसे लिया जा रहा है। इसलिए हम मरकज़ी सरकार से आपकी माध्यम से मरकज़ी सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आशा वर्करों के साथ इंसाफ करो और मंथली मंथली वेजेस मुकरर किया जाए।